और एनर्जी लॉस करने की वजह से उनका जो पीरियडिक वेरिएशंस होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड में वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, इसीलिए उनका हेस्टिस लूप भी क्या आता है, स्मॉल आता है। और जो सॉफ्ट आयरन कोर होती हैं हमारी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में ज़्यादातर यूज़ होती हैं और करंट कैरिंग कोयल्स में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने के लिए, तो ये सॉफ्ट आयरन का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। क्योंकि अगर एक बार वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दें तो उसके बाद फिर से वो अपनी इनिशियल स्टेट में रिटेन हो जाए। तो जनरली ट्रांसफार्मर, मूविंग कोयल, गैल्वेनोमीटर्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं सॉफ्ट आयरन कोर के। ट्रांसफार्मर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, और लेकिन मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को हम पढ़ चुके हैं। वहां पर हमने बताया था कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर की जो इनसाइड कोयल होती है वो किससे बनाई जाती है, सॉफ्ट आयरन से, न कि स्टील से। अच्छा, तो क्या कहा हमने, जो स्टील होता है, स्टील एक ऐसा मटेरियल है जो सुटेबल होता है किसको बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए। और इसका जो हिस्टिस लूप भी आता है वो काफी ज्यादा लार्ज आता है। इसके रीजन भी यही है, क्योंकि इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं इनमें अगर मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाइड किया जाता है तो इसके बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दें तो ये अपनी इनिशियल पोजिशन में रिटेन नहीं होते, क्योंकि इनकी रिटेंटिविटी क्या होती है, काफी ज्यादा लार्ज होती है। और रिटेंटिविटी लार्ज ही नहीं होती बल्कि इनका कोर्सिव फोर्स भी लार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि ये इजिली डिस्ट्रॉयड नहीं होते, इनका मैग्नेटाइजेशन इजिली डिस्ट्रॉयड नहीं होता। तो समझ में आया, इसीलिए जो सॉफ्ट आयरन कोर होते हैं वो यूज करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए, ट्रांसफार्मर की कोयल्स बनाने के लिए, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर्स की कोयल्स बनाने के लिए, लेकिन स्टील को हम यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट की तरह। तो आया कि नहीं आया, स्ट्रे रिवर्स फील्ड। स्ट्रे रिवर्स फील्ड का मतलब है कि एक बार अगर उस पे मटेरियल्स पे कोई फोर्स लगाए तो वो उसको वापिस ना होने दे, समझ रहे हो, क्लोजली पैक्ड बनाकर रख के, वो कहते हैं हम स्ट्रे, स्ट्रे रिवर्स फील्ड। समझ में आ रहा है, जब हम कोर्सिव फोर्स बता रहे थे तो कोर्सिव फोर्स क्या होता था वहां पे, हेस्टिस लूप में, जब इलेक्ट्रिक करंट्स क्या हो, एकदम से जीरो आ जाए, ठीक है, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी कुछ इंक्रीज हो जाए, पर लेकिन कैसे डायरेक्शंस में, रिवर्स डायरेक्शंस में, तो वो उस टाइम के फोर्स को बोलते हैं हम कोर्सिव फोर्स। तो स्टील का कोर्सिव फोर्स और रिटेंटिविटी काफी ज्यादा क्या होती है, लार्ज होती है। क्लियर? अरे हाँ ना बोलो, तो आपको समझ में आ गया, स्टील और सॉफ्ट आयरन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट। क्लियर? ठीक है, तो इसके साथ ही ये चैप्टर हो जाता है आपका दी एंड। ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं चैप्टर में। तो आपको क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक सोलेनोइड जो है टाइटली वॉन्ड है 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, और उसमें करंट कैरी हो रहा है 4 एम्पियर का, और आपको फाइंड करना है उसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल एच और मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, और आपको वैल्यूज फाइंड करनी है आयरन कोर अगर इंसर्ट हो सोलेनोइड में, और उसका मैग्नेटाइजेशन आई कितना दे रखा हो, 4.00 × 10⁶ एम्पियर पर मीटर। तो क्लियर है, सब चीजें आपके पास फाइंड है, जल्दी से पहले कैपिटल एच इज इक्वल टू एनी। हाँ, हमारे पास क्वेश्चंस में क्या है कि टाइटली वाउंड है और 50 टर्न्स है, तो आपके पास आई दे रखा है 4.00 एम्पियर एंड 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर। एच अगर आप फाइंड करते हैं और मटेरियल इंसर्ट नहीं है तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी बताया है, ठीक है, एच इज इक्वल टू एन आई, एच इज इक्वल टू एन आई, ठीक है, सही बताया, एच इज इक्वल टू एन आई। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा,
वैल्यू 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 क्या होगी, 50 × सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर है, 50 upon सेंटीमीटर। तो 50 upon सेंटीमीटर को अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा, इसको आप लिखोगे 50 per सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे प्लस में आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा। और सेंटीमीटर जब की वैल्यू होगी 10^-2, 10^-2 मीटर, तो ये ऊपर जाएगा अब में तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन मीटर किस में हो जाएगा, माइनस में, 10^2 मीटर इनवर्स। क्लियर समझ में आ रहा है? और मल्टीप्लिकेशन आई, आई इज अ 4 एम्पियर, तो यहां से आपका एच निकल आएगा, कैपिटल एच, क्या हो जाएगा एच, 50 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4, 5, 20, 2 और 00, तो 2 × 10^4 एम्पियर पर मीटर, ये आपका एच निकल गया। क्लियर है, एच आ गया आपका। किसी को दिक्कत? अरे हाँ ना बोलो, एच फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एच निकल गया, आप बी फाइंड कर सकते हो। एच और बी के साथ क्या रिलेशन है, द मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एच, क्योंकि एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट, व्हेन मटेरियल इज नॉट इंसर्टेड इन एनी सोलेनोइड, इन एनी टोरॉइड रिंग। बी की वैल्यू फाइंड कर लो यहां से, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी नॉट, 4π × 10^-7 मल्टीप्लाई एच, 2 × 10^4, 4 × 2 = 8, पाई की फॉर्म में आंसर आ सकता है, पाई की वैल्यू रख लो, 8 × 3.14 × 10^7 कितना आएगा, -3, और यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर लो तो कितना आएगा, 8 × 8 = 3, 12, 11, 24, 25.12 × 10^-3, so B is equal to approximate 25 mT, 10^-3 -3 को मिली लिख सकते हैं, ये वैल्यू आ गई कैपिटल बी। क्लियर है? अब आपको बोला गया है कि एक इंसर्ट करते हैं मटेरियल को, आयरन कोर को, किसमें, आयरन कोर को इंसर्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, सोलेनोइड के अंदर, तो इसका मैग्नेटाइजेशन कितना हो जाएगा, आई, आप यहां पे लिखेंगे the value of capital H does not change as the iron core is inserted and remains 2 × 10^4 एम्पियर पर मीटर, ठीक है, अगर आयरन को इंसर्ट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, न्यू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डी मैग्नेटिक फील्ड बी बिकम्स, बी बिकम्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है फिर, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एच प्लस आई, क्यों, क्योंकि जब कोई मटेरियल
इंसर्टेड होता है तो एच इज इक्वल टू होता है बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई। यहां से आई फाइंड कर लोगे, आई फाइंड कर लोगे, आई इधर आ जाएगा एच के साथ पॉजिटिव और म्यू नॉट मल्टीप्लिकेशन में। समझ में आ रहा है? नहीं आया? क्लियर? क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे एच और आई की। आई की वैल्यू दे रखी थी 4 × 10⁶ क्वेश्चंस में, और एच की वैल्यू हमने फाइंड करी अभी, और म्यू नॉट की वैल्यू है। कितना आ रहा आंसर? क्या करा मैंने, यहां से 2 जीरो की मल्टीप्लिकेशन कर दी तो 400 हो गया, और आप यहाँ पे 10⁴ कॉमन ले लिया बाहर। अब अंदर क्या बचेगा, 2 + 400 सो इज इक्वल टू 4 × 3.14 × 10⁻³। (-3) और ये मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ रहा है, ये सम करके मल्टीप्लाई 402। इन सब का मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 5.05 टेस्ला। ठीक है। क्लियर समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो। ठीक है, तो हमने ये फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। वो आप करके लाएंगे घर से, मेरे को दिखाओगे। तो आपको क्वेश्चंस में क्या करना है, फाइंड करना है आपको मैग्नेटाइजेशन, फाइंड करना है मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच आपको फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर आपको फाइंड करना है। अगर बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ कितना दिया हो, 3.6 एम्पीयर मीटर दिया हो, और मैग्नेटिक लेंथ 12 सेंटीमीटर हो, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो, 0.90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो आपको ये फाइंड करने है। पहले क्वेश्चन को बताओ, मैं कर लोगे या मैंने बताना है? आई इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, एम अपॉन ए हो जाएगा यहाँ पे, क्यों, बिकॉज ये मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन पर यूनिट एरिया, तो लगभग ए एम दे रखा है आपको पोल स्ट्रेंथ 3.6। एम्पियर मीटर अपॉन, और एरिया कितना दिया है, 0.90, और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मल्टीप्लिकेशन करो तो 10⁴ - 4 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल, एम्पियर ये ऊपर चला गया, और इससे कैंसिल कर देना, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका लगभग 10⁴ - 4 ऊपर जाएगा, तो 10⁴ और 9 × 4 = 36 पॉइंट कैंसिल हुआ, 0 बटेगा, तो लगभग 4 आ जाएगा ये। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे भी 0 मान लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, और 9 × 4 = 36 और 10⁴ एम्पियर, और 1 मीटर से 1 स्क्वायर कैंसिल, तो एम्पियर पर मीटर। यह आ गया आपका मैग्नेटाइजेशन। M is a pole strength. Clear? Direction क्या होगी? क्या कहा था पहले, magnetic intensity निकाली magnetizations का, I equal to ये, और फिर direction बताया कि south pole से north pole की तरफ होगा center magnet, तो आप HN निकाल सकते हो उसका, 1/4πm/d² फॉर्मूला लिखा रखा है मैंने, कहाँ से आया था ये, मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए पोल स्ट्रेंथ के साथ फॉर्मूला होता था (μ0)/4πb = (m/d², तो b अपॉन म्यू नॉट होता है h, तो यहाँ से h निकाल लेंगे हम। ठीक है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लोगे तो h n आ जाएगा आपका लगभग
79.6 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। और देखो एच एन की जितनी इंटेंसिटी होगी उतनी एच एस की भी होगी, सिमिलर टू एच एस, लेकिन क्या होगा डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है, और नहीं सेम डायरेक्शन में होगा, बिकॉज मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा सेम ही होगा, पर वही है कि एन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और एस पे क्या होती है एंड होता है। तो सिमिलरली एस एस एच एस भी कितना होगा 79.6 एम्पियर पर मीटर। टोटल मैग्नेटाइजेशन कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी सॉरी, तो क्या कहा रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगा एच इक्वल टू एच एन प्लस एच एस, ये दोनों के सम के बराबर, तो फिर आ जाएगा वो टोटल रिजल्टेंट एच जिसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द साउथ पोल। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे हम इनके एट द सेंटर बी इक्वल टू जगह म्यू नॉट एच प्लस आई, एच की वैल्यू आपकी पे क्या होगी साउथ पोल में, तो इसलिए माइनस आया क्योंकि आपको पता है वहां पे क्या होता है माइनस एम मैग्नेटिक चार्ज साउथ पे, और प्लस आई, आई की वैल्यू आप 4 × 10⁴, तो दोनों को सॉल्व कर लोगे तो लगभग कितना आ जाएगा ये 5.0 × 10⁻²⁺ टेस्ला। क्लियर है, कहाँ होगी नॉर्थ पोल की तरफ,